हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक एंड टिप चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में, यानी कि केसीसी के बारे में। क्या आपको पता है कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के माध्यम से आपको 3 लाख रुपए की लोन मिल सकती है, वो भी बिना सिक्योरिटी के, यानी कि किसी भी ब्याज के बिना। आपको 3 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हैं तो इसके ऊपर आपको 4% ब्याज लगेगा, लेकिन अगर 1.5 लाख के आप लोन लेते हैं तो इसके अंदर आपको कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। जितना आपने पैसा लिया उतना ही आपको भरना होगा। तो उसके लिए कैसे आवेदन करना है, क्या करना होगा, इसका फॉर्म कहाँ से भरना होगा, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगी। तो वीडियो आप पूरा देखते रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि केसीसी क्या है। केसीसी यानी कि भारत सरकार की ओर से यह सुविधा 1998 में शुरू की गई थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, वो सब आप लोग जानते हैं। किसान जब कोई फसल बोता है तब उन्हें बीज बोने से लेकर उसे बेचने तक काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है। तो उसे जो उसके पास पैसे नहीं होते उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि किसी ज़मींदार के पास जाते हैं या फिर किसी अन्य अनौपचारिक क्षेत्रों पे जाकर वहाँ से लोन लेते हैं। लेकिन उन क्षेत्रों का लोन का जो ब्याज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से किसान के ऊपर उसका जो कर्ज है वो बढ़ता जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नई योजना बाहर की जिसका नाम है केसीसी। केसीसी के माध्यम से जब कोई किसान लोन लेना चाहते हैं या फिर उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने ज़मीन के ऊपर या फिर वो पैसे ले सकते हैं बैंक से डायरेक्ट। पहले क्या होता था कि जो किसान होते थे वो बैंक में काफ़ी ज़्यादा फॉर्म वगैरह भरना होता था, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती थी जिसकी वजह से उसको लोन नहीं मिल पाती थी। लेकिन अभी केसीसी की मदद से किसान अपना लोन ले सकता है। अब बात करते हैं कि ये किन किन लोगों को यह लोन मिलेगी, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि जो लोग पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, जिसको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, उन सभी लोगों को यह सुविधा का लाभ मिलेगा। आप कैसे जानेंगे कि आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि में है या नहीं? तो इसके लिए मैं बता दूं कि इसके लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होगा। इस वाली वेबसाइट के आने इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके ऊपर आने के बाद आपको नीचे आना है, जहां पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी लिस्ट, यहां पर आपको क्लिक करना होगा। यहां से आप पता कर पाएंगे कि आपका नाम है या नहीं। तो यहां से आपको आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है, विलेज आपका जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पर गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे नाम आएंगे, जिसके अंदर आपका नाम अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पेजेस है, आप सभी पेज में चेक कर सकते हैं आपका नाम है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो आप इसके ऊपर आके एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे। मैं पहले तो आपको बता दूँ कि ये जो सीरीज है वो अभी सीएससी के माध्यम से भी चालू होने वाली है, लेकिन उसका जो साइट है अभी वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आप डाउनलोड करके इसका फॉर्म ऑफलाइन भी भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड केसीसी फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म बन के आ जाएगा। यहाँ पर इस फॉर्म को आपको भर लेना है। यहाँ पर आपको बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ए सेक्शन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऑफिस यूज़ के लिए ही, ऑफिस वाले ही इसके अंदर फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर बी सेक्शन में आपको टाइप ऑफ जो केसीसी है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप अपना फ्रेश है, कभी केसीसी कार्ड नहीं बनवाया, तो आप यहाँ से इश्यू ऑफ फ्रेश केसीसी के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अगर आप अपना केसीसी बनवा रखे हैं और उसका लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे टिक मार्क। उसके बाद एक्टिवेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर टिक करेंगे। अब आपको अकाउंट लोन रिक्वायर्ड, आपका कितना आप लोन लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर सी सेक्शन में आपको करना पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर जो होता है उसका बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएम किसान बेनिफिशियरी, यानी कि जो भी पीएम किसान बेनिफिशियरी है जिसका लाभ उसको मिल रहा है, वही अकाउंट नंबर, वही बैंक का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको दूसरी योजनाओं के बारे में बताया गया है, अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ से टिक मार्क कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप उसको नो कर दीजिए। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं डी सेक्शन में डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग लोन इफ एनी, आपके यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपने किसी दूसरे बैंक से या फिर आपका लोन अभी किसी बैंक में चल रहा है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको देख सकते हैं ई सेक्शन में पर्टिकुलर ऑफ लोन ऑफ टोटल लैंड लोडिंग ऑफ द एप्लीकेंट एंड क्रॉप्स,
आपको यहाँ पर जो एप्लीकेंट का विलेज है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, खसरा नंबर, सर्वे नंबर और टाइटल में आपको देना होगा, ऑन पे है, लिस्ट पे है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी होगी। एरिया यहाँ पर डालना होगा, कितना आपके लैंड का एरिया है। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी पार्क लेते हो सारी चीज़ें यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद यहाँ पर केसीसी टू फिशर एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर, यानी कि यहाँ पर आपको अगर फिशर्स फार्मर है या फिर आप जो एनिमल फार्मर है तो उसके लिए जो कॉलम है वो है, लेकिन अगर आप फिशर्स या एनिमल फार्मर नहीं है तो आपको इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस टू बी ऑफ रेड, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ सकते हैं, यहाँ पर एस डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, सारी चीज़ें जो उसके रूल्स वगैरह है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एप्लीकेंट है उसका सिग्नेचर या फिर वो सिग्नेचर नहीं करते तो उसका थंब आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट में आपको कुछ नहीं करना, बस ये सारी चीज़ें आपको भर के आपके नज़दीकी बैंक में जाके वहाँ पर आपको जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो जोड़ के उसके अंदर आपको जाना होगा और उसे दे देना होगा। आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड है इससे अप्लाई हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आपको अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो पता चल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप इससे संतुष्ट है इस माहिती से तो आप दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए या फिर फेसबुक में कीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल पाए कि ऐसी भी योजना है और इस योजना से उन लोगों को भी फायदा होगा, और यदि उसको नहीं आता फॉर्म कैसे भरना तो वो लोग जान सकेंगे। तो आप उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे तरफ से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आते हैं जो कि आपको बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो हम देते हैं। जो भी सरकार की योजनाएं आती है, जो भी नई सर्विस आती है, उन सभी के बारे में इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, दूसरे टॉपिक में, और यदि आपको इस फॉर्म भरने में और भी कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।